चाकुलिया प्रखंड के कार्यालय से सटे गांव में निर्मित 3D बोरिंग आज भी विभागीय लापरवाही के कारण अपूर्ण है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये बोरिंग किस विभाग का है, कितनी लागत में बनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय से सटे लोधा शोली पंचायत के अमलागोड़ा गांव और निमडीहा गांव में पेयजल और स्वच्छता विभाग से स्वीकृत लाखों की लागत से निर्मित 3D बोरिंग आज भी विभागीय लापरवाही के कारण अपूर्ण है। अमलागोड़ा गांव के आदिवासी टोला और सबर टोला में विभाग द्वारा ग्रामीणों के बीच स्वच्छ पेयजल की सप्लाई कराने के उद्देश्य से 2 बोरिंग का निर्माण किया गया है। वही पंचायत के निमडीहा गाँव में 1 बोरिंग का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों ने कहा है कि ये बोरिंग किस विभाग से और कितनी लागत में की गई है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की सूचना पट नहीं लगाया गया है। सूचना पट नहीं होने से लोगों को योजना की पूर्ण जानकारी नहीं है। वही लोगों ने कहा कि लॉकडाउन के पूर्व ही विभाग द्वारा गांव के टोला में बोरिंग गाड़ी से बोरिंग किया गया है, लेकिन बोरिंग में अब तक मोटर नहीं लगाया गया है, जिस कारण लोगों को बोरिंग का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के समक्ष पेयजल की घोर समस्या व्याप्त है। वही पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील दत्त से दूरभाष पर योजना की जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि गांव में विभाग द्वारा बोरिंग का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के तहत बोरिंग निर्माण के लिए निविदा निकाली गई थी और बोरिंग किया गया है। कहा कि दूसरी निविदा निकाल कर बोरिंग में मशीन डालने और टंकी निर्माण कर घर पर टेपिंग देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही योजना को पूर्ण कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBR न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBR न्यूज।